नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। हल्दी घाटी में आप सभी का स्वागत है। हल्दी घाटी वह स्थान है जहां हुआ था महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच एक घनघोर युद्ध। हल्दी घाटी का ये युद्ध लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में हुआ था, जिस बीच पड़ते हैं कई सारे ऐतिहासिक स्थान जो कि आज हम देखेंगे, और सभी स्थानों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी जानेंगे, और साथ ही साथ हम आपको हल्दी घाटी के लिए कंप्लीट गाइड भी करेंगे कि कैसे आप हल्दी घाटी के लिए पहुंच सकते हैं, किस तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल होती है, अगर आप यहां रुकना चाहते हैं तो कहां रुक सकते हैं, किस तरह की फ़ूड फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल होती है, ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी के इस विजिट के दौरान जिन स्थानों को हम देखेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे हल्दी घाटी दर्रा, जो कि हल्दी घाटी युद्ध की सबसे प्रमुख जगहों में से एक है। इसे देखने के बाद हम चलेंगे महाराणा प्रताप की गुफा देखने, जहां पर महाराणा प्रताप काफी समय तक रहे थे। गुफा को देखने के बाद हम चलेंगे बादशाही बाग को देखने, जहां अकबर की मुगल सेना रुकी थी। बादशाही बाग को देखने के बाद हम चलेंगे रक्त तलाई की ओर, जहां हल्दी घाटी के युद्ध के समय खून का तालाब बन गया था। रक्त तलाई के बाद हम चलेंगे चेतक स्मारक को देखने के लिए, जहां पर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की समाधि है। यहां से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे चेतक नाला देखने, जहां से चेतक ने छलांग लगाई थी। और इसके बाद हम चलेंगे हल्दी घाटी के एक प्रमुख म्यूजियम को देखने, जिसका नाम है महाराणा प्रताप म्यूजियम हल्दी घाटी, जहाँ पर हम देखेंगे और जानेंगे हल्दी घाटी युद्ध से जुड़े इतिहास के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं हल्दी घाटी दर्रा के साथ। तो चलिए अब हल्दी घाटी का दर्रा देखते हैं। बहुत ही सुंदर सा नजारा है जिससे होकर हम गुजर रहे हैं। ये है हल्दी घाटी आपके सामने। हल्दी घाटी वो स्थान है जहां हुआ था महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच एक घनघोर युद्ध, और मुगलों की सेना का नेतृत्व तो कर रहे थे जयपुर के राजा मानसिंह। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ जो कि लगभग 6 घंटे तक चला। हल्दी घाटी को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यहाँ पर काफी सारे लोगों का जमावड़ा बना ही रहता है। तो अगर आप भी कभी हल्दी घाटी देखने आना चाहते हैं तो उदयपुर से हल्दी घाटी का डिस्टेंस है 48 किलोमीटर का, यानी कि 48 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसे पार करके आप हल्दी घाटी पहुंच सकते हैं। हल्दी घाटी में लगा हुआ एक बोर्ड देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये जो लाइन उत्पन्न हुई थी वो यहीं से हुई थी। यहाँ पर आप हल्दी घाटी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी, पूरी कहानी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक्चुअली में आप ये देखिए, ये है हल्दी घाटी का जो कलर, ये देखिए यहाँ से आपको पूरी पीली मिट्टी नजर आ रही होगी। ये पीली मिट्टी है देखिए, इस तरह से ये पूरा पीला है, इसका कलर जो है बिल्कुल हल्दी जैसा है, इसी वजह से इसका नाम है हल्दी घाटी। बहुत अच्छे से आपको यहाँ से नजारा दिख रहा है, और भी अलग अलग कलर की यहाँ पर हो चुकी है क्योंकि अब थोड़ा सा पॉल्यूशन बढ़ चुका है बरसात वगैरह की वजह से। लेकिन ये जो मिट्टी का कलर है आप यहाँ मेरे उंगलियों पर देख पाएंगे, बिल्कुल हल्दी जैसा कलर है, एक्चुअल में हल्दी कलर। तो आपको मैं हल्दी घाटी का 360 व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये है एक साइड हल्दी घाटी की जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ, ये घाटी पहाड़ों से घिरी हुई है, ये रास्ता है इसे ही हम घाटी बोल रहे हैं, जो कि यहाँ इन पहाड़ों के बीच से होकर गुजर रहा है। देखिए 360 व्यू में मैंने आपको ये दिखाया कि हल्दी घाटी एक्चुअल में दिखती कैसे, बिल्कुल पीले कलर की मिट्टी है, मेरे हाथ पे आप शायद देख पाएंगे। और ये जो कलर है ये देखिए पूरा का पूरा येलो कलर है, अभी थोड़ा बरसात की वजह से ये ऊपर ब्लैकनिंग हल्की सी कलर चेंज हो चुका है, लेकिन जो एक्चुअल में कलर है देखिए ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए येलो कलर की मिट्टी पूरी की पूरी, इसी वजह से इसका नाम है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के आसपास सीताफल की काफी सारी खेती होती है, यहाँ पर आपको सीताफल बेचते हुए काफी सारे लोग नजर आएंगे, तो यहाँ से आप उचित दाम में सीताफल खरीद सकते हैं। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की एक प्राचीन गुफा है जिसके दर्शन अभी हम करने वाले हैं, यहाँ पर ये बोर्ड में आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं और गुफा को देखते हैं। तो ये है वो प्राचीन गुफा जहाँ पर महाराणा प्रताप रहा करते थे।
ये भी एक तरह का मिट्टी का ही बना हुआ स्ट्रक्चर है। दिखने में थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि लावा का है, लेकिन लावा का नहीं है। ये भी उसी तरह की पीली मिट्टी है जैसे कि आपने हल्दी घाटी में देखी, लेकिन अभी इसका थोड़ा पॉल्यूशन की वजह से या फिर वेदर चेंज की वजह से थोड़ा कलर बदल चुका है। और अंदर से भी जो इसके आर्किटेक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो सभी मिट्टी के हैं। और यहीं पर महाराणा प्रताप रहा करते थे जब वो जंगलों में विचरण कर रहे थे, जब वो अपनी सेना तैयार कर रहे थे। अगर ऐतिहासिक तौर पर कहा जाए तो ये वह जगह है जहां पर महाराणा प्रताप का स्थान था जब वो जंगलों में रह रहे थे। ये वो जगह है जहां पर वो घास की रोटी वगैरह बनाया करते थे, और वो बिलाऊ उनकी रोटी ले गया था उनके बच्चे से छीन कर, तो बच्चे को समझा रहे थे। वो जो हमने किताबों में कहानियों में ये चीजें सुनी है, वो जगह यही है। ये देखिए, ये है गुफा का अंदरूनी भाग। देखिए, बिल्कुल प्राकृतिक, बिल्कुल नेचुरल तरह से ये गुफा बनी हुई है। यहाँ से आप स्ट्रक्चर देखकर बड़ी आसानी से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, इस गुफा को देखने काफ़ी सारे लोग आया करते हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाने वाले हैं गुफा के अंदर मौजूद वो गुप्त रास्ता, वो सीक्रेट वे जो कि बहुत दूर जाकर खुलता है। कई लोग कहते हैं कि ये एकलिंग जी जाकर खुलता है, कई लोग कहते हैं कि ये नाथ द्वारा जाकर खुलता है, लेकिन एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है ये कि कहाँ जाकर ये खुलता है। लेकिन ये रास्ता बहुत ही लंबा है, बहुत ही दूर तक ये जाता है। वैसे अब सेफ्टी पर्पस के लिए सुरंग को, इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। एक पॉइंट तक ही हम जा सकते हैं, उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर यहाँ से आप देखिए, ये टनल बहुत ही लंबी है, बहुत ही बड़ी है। आपको यहाँ जो आगे अंधकार नज़र आ रहा है वो इस सुरंग का अंदरूनी भाग है। देखिए, थोड़ा सा हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सुरंग का अंदरूनी भाग है। देखिए, यहाँ तो एक डोर लगाया गया है, बाद में लगाया गया था ये तो, लेकिन यहाँ से ये सुरंग अंदर की ओर प्रवेश करती है। देखिए, बहुत ही लंबी सुरंग है। अंदर आपको अंधकार जितना नज़र आ रहा है, वहाँ से ये सुरंग का रास्ता आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो देखिए, ये है वो सुरंग जिससे महाराणा प्रताप ट्रैवल किया करते थे गुप्त रूप से। यहाँ पर एक आश्रम स्थापित किया है महाराज ने, जो कि यहाँ पर एक यज्ञशाला के रूप में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, यज्ञशाला है और यहाँ पर महाराज जी का बैठने का स्थान है, और यहाँ पर है माता जी का मंदिर। देखिए, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए, इस गुफाओं में यहाँ पर बजरंग बली की मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पर हम नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर गणेश जी को स्थापित किया गया है, और यहाँ से ये देखिए कितनी सुंदर सी ये गुफा नजर आ रही है। इस जगह का नाम है खमनोर, और यह है बादशाही बाग। इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो बाग है जहां पर अकबर की मुगल सेना ने पड़ाव डाला था अपना पहला। जब हल्दी घाटी का युद्ध होने वाला था, उससे पहले जब अकबर की सेना आई थी, तो उन्होंने सबसे पहले जो अपना पड़ाव डाला था वो यहीं पर डाला था। ये पहले कोई बाग नहीं हुआ करता था, पहले कोई जगह थी। अब इसको बाग बना दिया गया है, एक तरह का उद्यान है ये, जिसको लोग देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही मुगलों ने अपना जो आसरा है डाला था, अपना पहला पड़ाव यहीं डाला था। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर की तरफ देखते हैं कुछ हमें नज़र आता है। तो अब इस बादशाही बाग का जो एरिया है, उसको देखकर आप आराम से समझ पाएंगे कि यहाँ पर सेना के रुकने का स्थल हुआ करता था। देखिए, कितना बड़ा सा ये मैदान है, और यहाँ आगे तक ये फैला हुआ है। पूरा का पूरा एरिया है जिसके अंदर सेना रुकी थी, और अभी तो इसको गार्डन बना दिया गया है, लेकिन ये पहले रुकने का स्थल था। बादशाही बाग के अंदर रूपण माता का मंदिर है, जो कि एक प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित है। बिल्कुल नेचुरल एक गुफा है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। तो अगर आप बादशाही बाग आए हैं तो यहाँ पर जरूर आइएगा। यहाँ पर आगे की ओर एक और मंदिर दिखाई दे रहा है। ये जो मंदिर है, ये भगवान शंकर का है, भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ नंदी बैल विराजमान है, और भगवान शंकर अंदर की ओर विराजमान है शिवलिंग के रूप में। तो यहाँ से हम दर्शन करके आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हल्दी घाटी में एक और स्पॉट है जिसे बोलते हैं रक्त तलाई। तो अब हम बादशाही गार्डन से रक्त तलाई की ओर जा रहे हैं। उसके बीच का रास्ता कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये पूरा का पूरा इलाका माउंटेन से भरा हुआ है। इसमें आपको इस तरह के पहाड़, हरियाली दूर दूर तक नजर आएगी। हल्दी घाटी में आपको शुरू में तो ऐसा लगेगा कि आपको जंगली जंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ देर बाद आप जब आगे चलेंगे तो आपको एक बस्ती नजर आएगी। काफी सारे लोगों के घर हैं यहाँ पर, काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, काफी सारी लॉज, धर्मशाला भी आपको शायद यहाँ ढूंढने पर मिल जाएं। और अगर आप नाश्ता वगैरह करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ दुकानें मिल जाएंगी। महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ वो रक्त तलाई में हुआ। अच्छा, वो समतल जमीन थी। महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो
पहाड़ों पर थापामार युद्ध करती थी। उन्होंने मुगलों ने देखा जब ये पहाड़ों पर उनके वो आदि नहीं थे इसके पहाड़ों में चढ़ने के, तो उन्होंने पीछे हटना शुरू किया। कूटनीति के तहत वो जो जो पीछे हटते गए और रक्त तले के आसपास मतलब समतल जमीन आई उसमें प्रताप को घेर लिया और वो भयंकर युद्ध हुआ। केवल मात्र 6 घंटे का युद्ध था वो। तब हम पहुंच चुके हैं रक्त तलाई, ये एक संरक्षित मॉन्यूमेंट है, यानी कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। वैसे अब यहाँ है मेन गेट, ये तो बड़ा वाला गेट है, इस पर लॉक लगा हुआ है। हम लोग चलेंगे साइड से। तब हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं रक्त तलाई के अंदर, और यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई हैं जो कि एक स्मारक के रूप में है। यहाँ पर युद्ध हुआ था, ये छतरी एक स्मारक है, जो लोग यहाँ पर शहीद हो गए उनके लिए ये छतरियाँ बनाई गई हैं। रक्त तलाई का जो इम्पोर्टेंस है वो इस वजह से है कि जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ तो बहुत ज़्यादा मारकाट मच गई थी, बहुत ज़्यादा खून बहा था। जो योद्धा लड़े थे आपस में उनका बहुत खून बहा था, और जब उस युद्ध के दौरान बारिश हुई तो वो सारा खून बहते बहते इस जगह आके इकट्ठा हो गया और यहाँ एक तालाब जैसा बन गया, एक तलाई बन गई जो कि बिल्कुल लाल कलर की थी। उस टाइम की बात है, बिल्कुल लाल कलर हो गया था, इसी वजह से इसका नाम रक्त तलाई रख दिया गया। ये जो गार्डन आप मेरे सामने देख रहे हैं, जो घास फूस उगी हुई है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ये पूरा का पूरा गार्डन पहले था रक्त तलाई। यही वो जगह है जहाँ पर खून आकर इकट्ठा हो गया था, खून और पानी, ये पूरा तालाब का कलर लाल कलर का हो गया था और पूरा का पूरा इलाका एक ऐसा लग रहा था जैसे कि खून का एक तलाई बन चुकी है, इसी वजह से इसका नाम रक्त तलाई रख दिया गया। रक्त तलाई के पीछे की और 2 छतरियाँ बनी हुई हैं, और वो छतरियाँ हैं उन वीरों की जिन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध में अपना बलिदान दिया। वो वीर थे, कंवरों की छतरी है ये, यहाँ पर आपको इस शिलालेख में लिखा रहेगा, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, कंवरों की छतरी है। राजा राम शाह कंवर और उनके 3 पुत्र जो थे वो ग्वालियर के रहने वाले थे, और उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो महाराणा प्रताप की साइड से लड़े और यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए। उनके स्मारक में यहाँ पर ये छतरियाँ बनाई गई हैं। अब हम पहुँच चुके हैं हल्दीघाटी के एक ऐसे स्पॉट पे जिसका नाम है चेतक समाधि। ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेतक समाधि। चलिए अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। ये एक शिलालेख है जिसमें इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी, और आगे चलते हैं। यहाँ पर चेतक स्मारक हमें नजर आएगा। ये चेतक घोड़े की समाधि, छतरी वाली। चेतक मरा पहाड़ी के उस पार था, 22 फीट का नाला जम करते वहीं पर मर गया था। यहाँ पे लाके समाधि बनाई, शिव मंदिर के हिसाब से राणा पड़ता है जहाँ पर पूजा पाठ करते थे। अच्छा, पहले खुले में शिवलिंग था, मंदिर बाद में बनाया। अच्छा, भोलेनाथ का नंदी भी है जो मुगल सेना ने खंडित कर दिया था। अच्छा, इसका मुंह तोड़ रखा है। अच्छा, तो उसी समय का है। इस मंदिर को 600 साल और समाधि को 500-550 साल पुराना। अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो नाला जो कि चेतक ने कूद करके पार किया था घायल होते हुए भी, और महाराणा प्रताप को बचाकर वो इस पार ले आया था। वही नाले की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, ये वो रास्ता है जहां से हम इसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये रास्ता चेतक स्मारक के सामने से ही होकर जाता है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई वाला है। तो चलिए ऊपर की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो नाला जिसे चेतक ने कूद कर पार किया था, और साथ ही देखेंगे महाराणा प्रताप और चेतक का स्टैचू जो कि इस पहाड़ के टॉप पर स्थित है। तो अब यहाँ से पीछे जो मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, वहीं पर वो नाला है जहाँ से चेतक ने छलांग लगाई और महाराणा प्रताप को बचाया था। ये जो नीचे आपको घनी खाई टाइप की दिख रही है वो एक नाला हुआ करता था पहले। अभी सेफ्टी पर्पज़ की वजह से हम नीचे नहीं जा सकते, लेकिन ऊपर से ही आप इस नज़ारे को देखिए, इतना गहरी खाई है और ये 22 फीट का, कुछ लोग बोलते हैं 23 फीट का है, ये नाला होता था जिसको पार करके, जिसको कूद करके चेतक पार आया था महाराणा प्रताप को लेकर। यही वह क्षेत्र है जहां पर चेतक ने अपने प्राण त्यागे थे, लेकिन उसका स्मारक थोड़ा दूर जाकर बनाया जो आपको अभी हमने छतरी में दिखाया। जो लेकिन ये जो जगह है ये इसी एरिया में कहीं चेतक ने प्राण त्यागे थे। यहाँ पहाड़ के ऊपर है महाराणा प्रताप का स्मारक जिसमें महाराणा प्रताप चेतक घोड़े के ऊपर सवार दिखाई दे रहे हैं। चलिए यहाँ से स्मारक को देखा जाए। ये है महाराणा प्रताप का स्टैचू जो कि आपको हम 360 एंगल में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहाड़ी के टॉप के ऊपर बना है, ऊपर पहाड़ी के सिरे के ऊपर, और यहाँ नीचे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, अलग अलग रंग बिरंगे पत्ते यहाँ में नजर आ रहे हैं। ये है महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक।
अब यहाँ से आप पीछे का नजारा देखिए, बहुत ही सुंदर सा नजारा है। वैसे अब हम लोग जाने वाले हैं हल्दी घाटी के म्यूजियम की तरफ, जो कि मैं आपको यहाँ ऊपर से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से भी म्यूजियम काफी अच्छा नजर आता है, एक ऊपर का व्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। देखिए ये है, ये तो पूरा इलाका है अरावली रेंज का, और ये है म्यूजियम जहाँ पर अब हम जाने वाले हैं। नीचे काफी बस्ती नजर आ रही है, इधर के इलाके में सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है, कोई बस्ती नहीं है, और थोड़ी दूर बस्ती हमें नजर आ रही है। तो चलिए म्यूजियम की तरफ चलते हैं। हल्दी घाटी का म्यूजियम एक स्पेशल जगह है जो कि आपको जरूर विजिट करनी चाहिए अगर आप हल्दी घाटी आते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर देखने लायक बहुत कुछ है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि आपको ऐतिहासिक तौर पर बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और म्यूजियम को अंदर से देखते हैं। दोस्तों हल्दी घाटी म्यूजियम का प्रवेश शुल्क है 100 रुपए, और अगर आपके साथ 3 से 10 साल के बच्चे हैं तो उनका शुल्क है 50 रुपए, और यहां पर गाइड की सुविधा आपको निःशुल्क मिलती है। दोस्तों अब हम चल रहे हैं लाइट एंड साउंड शो की तरफ जो कि यहां म्यूजियम में ही स्थित है। इसमें आपको अलग अलग घटनाओं का विवरण मिलता है। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए राजकोष में 20,000 अश्वियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। अब आप सब आगे की तरफ देखिए। आगे देखना इसे क्या कहते हैं? ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभ ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में दिल्ली के शासक बहादुर शाह के समय में रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया, और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी कुलकुंदरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी सम्राट का मन नहीं भरा। अंत में 30,000 आम लोगों का कत्लेआम करवाना, मौत के घाट उतरवाना, ये सम्राट का वास्तविक चेहरा था। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान हाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा
तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शिवपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सहसम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को सहसम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहां से 40 किलोमीटर दूर है, और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहां पर देख रहे हैं। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया
ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे, बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। तो दोस्तों यहाँ से देखिए म्यूजियम में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि आपको यहाँ से दिखाई देंगी। देखिए युद्ध में पहनने जाने वाला कवच, काफी सारे हथियार हैं जो कि पुराने टाइम पर यूज किए जाते थे। यहाँ पर अलग अलग तरह की ढाल हैं, तलवार हैं जो कि यहाँ पर रखी हुई हैं। और भी देखिए यहाँ पर युद्ध में पहनने जाने वाला हेलमेट है, यहाँ की पोशाक है जो कि हेड में कवच पहना जाता था, उस तरह का कवच यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ी साइज़ की जो पगड़ी है वो यहाँ पर रखी हुई है, बहुत बड़ी साइज़ की पगड़ी है। देखिए फ्रंट से देखेंगे काफ़ी बड़ी पगड़ी है। यहाँ पर स्टैचूज़ हैं, एक तरह के 3D स्टैचूज़ बनाए हुए हैं राणा महाराणाओं के। और यहाँ पर आपको एक 3D पेंटिंग दिखाई देगी जिसमें कि आपको हल्दीघाटी युद्ध की सभी प्रमुख घटनाओं का विवरण मिलेगा। देखिए इस सीन में आप महाराणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त घोड़े चेतक को नाला कूदते हुए देख रहे हैं। इस सीन में आप देख रहे हैं जौहर, जिसमें कि कई सारी वीरांगनाएं अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है अपनी आन बान की रक्षा के लिए। यहाँ पर और भी कई सारी 3D पेंटिंग्स हैं जिसमें कि अलग अलग घटनाओं का वर्णन यहाँ पर देखने मिलता है। इस दृश्य में आप देख रहे हैं महाराणा प्रताप, उनके प्रमुख सेनापति और उनके प्रमुख सरदारों को, जो कि यहाँ पर एक सभा में बैठे हुए हैं। यहाँ से आगे चलें तो काफ़ी सारे योद्धाओं के स्टैचूज हमें यहाँ नज़र आते हैं, सभी के नाम यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं। सभी योद्धा हैं राणा महाराणा और वो लोग जो कि महाराणा प्रताप की मदद के लिए आगे उठे थे, जैसे कि वीर भामा शाह। और भी योद्धाओं के स्टैचूज यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, सभी के नाम यहाँ ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं। यहाँ आगे चलें तो एक झांकी बनाई हुई है गाड़िया लोहार की, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में गाड़ूलिया लोहार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये लोहा पिघलाकर कुछ इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। यहाँ से आगे चलें तो हमें कालबेलिया की झांकी नज़र आती है। यहाँ आगे की ओर कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर आगे एक रहट का सीन बनाया हुआ है, एक कुआ है जहाँ पर आपको रहट दिख रहा होगा, ये रस्सी जिससे कि पानी ऊपर खींचा जाता है। यहाँ आगे चलें तो एक बहुत ही सुंदर सा तालाब है जो कि हमें यहाँ नज़र आता है। यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी अवेलेबल है। और आगे चलें तो बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे हमारे सामने नज़र आते हैं। और यहाँ पर आपको कई सारी बैलगाड़ियों की झांकियाँ एक साथ नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल चूल्हे पर बना खाना भी मिलता है, जो कि अगर आप इंटरेस्टेड हों तो यहाँ पर खा सकते हैं। म्यूजियम से बाहर निकलते ही हमें कई सारे इंटरेस्टिंग स्टैचूज नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पर महाराणा प्रताप और उनके प्रमुख सरदारों के स्टैचूज बने हुए हैं। आगे देखें तो यहाँ पर हल्दीघाटी युद्ध का एक प्रमुख सीन है जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, जब महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया था, वो सीन यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ आगे चलें तो यहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर घोड़े पर महाराणा प्रताप है और उनके सेना के प्रमुख जो योद्धा हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इसके अलावा इस म्यूज़ियम में एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाती है जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में और हल्दीघाटी युद्ध के बारे में विवरण देखने मिलता है। देखिए म्यूज़ियम के पास पार्किंग स्पेस है और यहाँ पर कैमल राइड के लिए आपको सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ पर अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो खाने पीने की दुकानें भी हैं। हल्दीघाटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिखाई दी, जो कि हैं गुलाब के शरबत और अलग अलग तरह के अर्क हैं, जैसे कि जामुन का, तुलसी का, खसखस का और भी बहुत सारे शरबत हैं, पान का शरबत है। एक्चुअल में ये यहाँ पर बनाते हैं इसको, ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, नेचुरल तरीके से इन शरबतों को बनाया जाता है। तो अब हम इस शॉप पर जाने वाले हैं और अंदर प्लांट भी देखेंगे कि कैसे ये शरबत बनाए जाते हैं, और अगर हमें अच्छा लगा तो हम कुछ परचेज भी यहाँ से करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, और इसके अंदर ही ढोल डाला जाते हैं गुलाब की। अच्छा, और उससे ये उबलता है, उबलने के बाद स्टीम जो बनती है, स्टीम बन के आता है, इसमें ठंडा पानी बराबर रहता है। अच्छा अच्छा, तो इसमें जो भाप स्टेप बनती है वो बूंद बूंद करके इसमें आता है। इसमें आता है, अच्छा। जैसे दारू बनता है उसी तरीके से इसमें बूंद बूंद करके 20 लीटर का जार पड़ता है। गुलाब जल टाइप बनाया है ये ना? हाँ। अच्छा अच्छा, पूरा ये पानी वो पत्ती पंखुड़ी जो रहेगी वो सब उसी के अंदर रहेगी। इसमें स्टीम बन के इसमें डिस्टिलेशन टाइप का है, उसी तरह ये इसमें जल बन ये बनाइए। ये बनाया हुआ ये अलग अलग, ये जामुन का है, ये जामुन मतलब पहले अगर जामुन चाहिए तो जामुन का डालते हैं। अजवाइन है, शौफ है। अच्छा अच्छा, पान है,
सब की शरबत इसी तरह से बनता है। अच्छा, अच्छा। और गुलगन जो बनाने के लिए उसमें खड़ी मिश्री यूज करते हैं। अच्छा। खड़ी मिश्री और फूल दोनों मिक्स कर कूट के उसको फिर उसको गुलगन 6 महीने में तैयार होता है। 6 महीने लगते हैं? 6 महीने लगते हैं उसमें। अच्छा, बहुत मेहनत का है। 6 महीने में तैयार होता है। कूट के फिर कोटी के अंदर ऐसी कोटी रहती है, उसके अंदर धूप में रखा जाता है और धूप में 6 महीने में धूप जैसे रोशनी पड़ेगी उससे शक्कर गुलगे और अच्छा ये ओरिजिनल गुलगन है नहीं तो पेठे का भी आता है ना टुकड़े? वो पेठे का आता है, वो मार्केट वाला एसेंस वगैरह वो रहता है उसमें, वो ओरिजिनल है। वो अपने गले में वगैरह खाते तो थोड़ा हल्का खटासपन देता है। और ये चीज है की ओरिजिनल आंखों में कभी ग्लव जले वो अपन चेहरे पे भी लगा सकते हैं, आंखों में भी डाल सकते हैं, वो जलन नहीं करेगा, जलन नहीं करता। और मार्केट वाला है वो आंखों में डालोगे एसेंस वगैरह ये रहेगा वो अपनी आंखें जलन करेगी। फेस पे भी यूज कर सकते हैं ग्लव जल। और फालूदा आइसक्रीम गुलगन लस्सी वगैरह उसमें भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये ओरिजिनल चीज बना रहे हैं अपन। ये भट्टियाँ हैं, ये बर्तन, मतलब ये मेन मैकेनिज्म तो यही है। ये है इस दुकान में अलग अलग तरह के अर्क। यहाँ पर आपको कुछ तो शरबत मिलेंगे देखने के लिए, जो बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं। ये गुलाब का शरबत है, वो रोज़ अलग अलग जामुन का शरबत है। हाँ, ये हम टेस्ट करके के देख सकते हैं, जो अच्छा लगेगा हम परचेज करेंगे। वैसे यहाँ पर देखिए ये है उगाए जाते हैं रोज को। देखिए कितना बड़ा रोज का गार्डन है, इस पे फोटो में दिख रहा है। तो बहुत सारे पानी में गलाया हुआ है। इस तरह की मशीन है जो कि अभी हमने देखी, इस तरह की मशीन है जिससे कि ये सारे अर्थ वगैरह तैयार करते हैं और ये सारे सीन्स वगैरह लगाए हुए हैं। अब थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। पानी का शरबत टेस्ट करो। एक बॉटल कितने की है ये? उसका है वो 300 का। अच्छा, ये वाला पान वाला पान का 150 है। तो यहाँ का स्पेशल ये गुलकंद है, ये मेडिकेटेड है। पेट में अल्सर हो, पाइल्स हो, गर्मी का प्रॉब्लम है, उसके लिए सबसे बेस्ट है। पानी ज्यादा ऐड कर लो। बोला जैसा फ्लेवर आ रहा है। हाँ, बटन ये जामुन का अर्क है, वो डायबिटीज के लिए है। तो अब हमने सारे शरबत टेस्ट करने के बाद कुछ बॉटल्स सेलेक्ट करी है। देखिए, जैसे कि हमको पान का शरबत पसंद आया जो कि ग्रीन वाला है, और कुछ रोज वाटर का शरबत है जो कि हमें पसंद आया वो हमने लिया है। इनका ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल होती हैं, तो हमें अच्छा लगा तो हमने लिया। और यहाँ पर एक गुलाब जल का भी है जो कि आँखों में डालने के लिए अच्छा होता है। और ये एक्चुअल में ओरिजिनल है, कोई सिंथेटिक नहीं है। यहाँ पर पीछे की जो भट्टी में है वहाँ ये बनता है। आप इस बोर्ड पर आराम से पढ़ पाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से शरबत मिलते हैं। ये सारी की सारी जानकारी इस पर लिखी हुई है, जैसे कि रोज़ वाटर है, गुलकन है, परफ्यूम्स हैं, और जामुन अर्क है, अजवाइन अर्क है, तुलसी अर्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर इस तरह से आपको रोड में ब्लॉक, ये जो बोर्ड्स हैं वो दिख जाएंगे।